साहब सरकारी मंदिर पर प्राइवेट लोगों ने कब्जा कर लिया है, उससे मुक्त कराओ और भगवान को आजाद कराओ। ये कहना था घनश्याम शर्मा, पुत्र स्वर्गीय सीताराम शर्मा, निवासी न्यू ब्लॉक कमलागंज का, जो जन सुनवाई में अपनी फरियाद लेकर आए थे। घनश्याम शर्मा ने बताया कि 1950-51 में कागजात खसरा में मंदिर राधा कृष्ण मिल्कियत सरकार व्यवस्था नगर पालिका शिवपुरी लिखा हुआ है और यह मंदिर किस प्रकार और किसके आदेश के अनुसार व्यक्तिगत संपत्ति आनंद कुमार पुत्र राधा किरण अग्रवाल के नाम से किस प्रकार हुआ। एक महीने पहले उपरोक्त संबंध में जन सुनवाई में आवेदन दिया गया था, जिस पर प्रकरण की जांच करने के आदेश दिए थे, लेकिन तहसीलदार शिवपुरी द्वारा उसे मूलतः पटवारी ग्राम को भेज दिया गया, जिसमें आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। घनश्याम ने बताया कि प्रशासन शासकीय संपत्ति को खुर्द बुर्द करना चाहता है, इसलिए इस मामले को पूरी तरह से निष्पक्ष जांच कराई जाए और मंदिर को व्यक्तिगत हाथों से मुक्त कराकर सार्वजनिक किया जाए। Yes. क्या नाम है सर? माय नेम इज घनश्याम शर्मा। हिंदी में? हिंदी घनश्याम शर्मा है। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? कमलागंज न्यू ब्लॉक शिवपुरी। आज जन सुनवाई में आप आए थे, क्या मामले को लेकर आए? जल मंदिर राधा कृष्ण दास भगवान दास जल मंदिर के, ये 1950-51 में सरकारी था। ये तो क्या चाहते हैं आप? सर जाँच करो और भगवान को स्वतंत्र करो। अब क्या उनके कब्जे में? जल मंदिर को उस पर लिख दिया। मैं कहता हूँ नियम है हमारे यहाँ कि किसी भी आदेश का पालन करने के लिए उसमें एंडोर्स किया जाता है नंबर, तो नंबर क्यों नहीं डाला? अगर है तो इसका मतलब करप्शन है, भ्रष्टाचार है। नंबर और उसके खाने में 10 नंबर, खाना नंबर 10 नहीं, कुछ नहीं है। किसके नाम बोल रहे हैं? उसके दो बाप हैं और जिसने कब्जा पोजीशन कर रखा है, पहला नाम राधा कृष्ण भगवान को उसने अपना बाप बना लिया और उसका एक मकान है टेकरी पर, उसमें श्याम सुंदर गोपाल दास। कुल मिला के मंदिर सरकारी है, उसने कब्जा कर रखा है। देसी बात है जी, अपना नाम नामांतरण करा लिया। और जो बगल में मैरिज हॉल है वो सब उसी के हैं, सब सरकारी है। सब सात दुकान है सरकारी। पीछे प्लॉट गार्डन वो सब सरकारी, डोनेट थी जमीन, डोनेट की हुई जमीन को कभी बेचा नहीं जा सकता। क्या पीछे जो प्लॉट काटे हैं वो प्लॉट वो भी सरकारी जमीन है। क्या आप नवला पुत्र किशोरी पुत्र नवला जी ने डोनेट किया था। क्या आप मानते हो प्रशासन की साठ गांठ से गड़बड़ी? ये सब प्रशासन की गाड़ी तो है ही। क्या प्रशासन है क्या कुछ? अरे सारा सा साथ थे उनके साथ मिलकर साठ गांठ करी है।